सकुशल संपन्न हुआ जिला पंचायत अध्यक्ष वोटिंग का कार्यक्रम। जानकारी के अनुसार प्रयागराज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को शांतिपूर्ण व सुरक्षित तरीके से कराए जाने के दृष्टिगत की गई तैयारियों के संबंध में डीएम प्रयागराज व डीआईजी एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा दी गई जानकारी। आपको बता दें, बड़ी खबर प्रयागराज से निकलकर सामने आ रही है, जहां सकुशल संपन्न हुआ जिला पंचायत अध्यक्ष वोटिंग का कार्यक्रम। प्रयागराज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को शांतिपूर्ण व सुरक्षित तरीके से कराए जाने के दृष्टिगत की गई तैयारियों के संबंध में डीएम प्रयागराज व डीआईजी एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा दी गई जानकारी। शुरू हो गई है, किस तरह के परिणाम हैं और किस तरह से जो यहाँ पर डाले जा रहे हैं, क्या क्या थोड़ा सा सारा देख ही रहे हैं कि यहाँ से हर व्यक्ति जो सदस्य फोन पर चेक होने के बाद जाएगा, मोबाइल सब लोगों ने जमा भेज दिया है, अच्छे से चेकिंग होने के बाद अंदर एंट्री दिया जाएगा। 11 बजे से मतदान शुरू होगा, 3 बजे तक मतदान होना है और 3 बजे के बाद हमारा काउंटिंग शुरू हो जाएगा। टोटल मेंबर्स 84 हैं, सारा लिस्ट दे दिया गया चेकिंग पॉइंट पे और जो सदस्य उन्हीं की एंट्री हो गई है, जो ड्यूटी पर उसी की एंट्री होगी। हाउस ऑफ ऑर्डर में हमने वहाँ पर बैरिकेडेंस लगाई है, वहीं पर हमने डाइवर्जन किया है, लोग न आ पाए इस बारे में व्यवस्था की गई है। सिर्फ वही लोग आए हैं जो अधिकृत हैं, उनकी चेकिंग वहाँ की जा रही है, पैदल आएंगे। फिर मेन गेट पर यहाँ पर व्यवस्था की गई है, सेकंड टायर में यहाँ पर चेकिंग और टेस्टिंग की जा रही है। फिर अंदर की व्यवस्था है जो बिल्डिंग पर है, जहाँ पर इंश्योर किया जा रहा है कुछ भी अंतर लगता है। इसके अलावा पूरे शहर में हम लोग चेकिंग की व्यवस्था किए हुए हैं, ताकि कोई भी अवांछित रूप से घूम न सके अवैध हथियारों के साथ या इलीगल किसी भी तरह से, क्योंकि इस बीच में कोरोना कर्फ्यू भी लगा हुआ है, तो इसमें भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि लोग मास्किंग के जो नियम हैं उनका भी हम पालन करें और किसी भी तरह से ऐसा कार्य न करें जिससे या तो कोरोना बीमारी का प्रसार हो या प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो या फिर यहाँ जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो पारदर्शी रूप से जो इलेक्शन कर रहा है कोई बात नहीं। इसके अलावा क्या सुरक्षा के कुछ अलग से इंतजाम किए गए हैं, वीडियोग्राफी कराई जा रही है या कुछ और? ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय के इलेक्शन कमीशन के आदेश होते हैं कि हर बार कि वीडियोग्राफी कराई जाए। इस बार भी अंदर और बाहर पूरी तरह से वीडियोग्राफी है। इसके अलावा प्रयागराज शहर में आप जानते हैं अगर हमने सीसीटीवी कैमरे ऑलरेडी यहाँ लगे हुए हैं, तो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से यहाँ पर इलेक्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार 7 टीवी न्यूज के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट।